वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। लोग सुबह सुबह जो है अच्छे चेहरे देखते हैं, और ये हम ये मनुष्य चेहरे देखते हैं भाई। लाइफ लिटिल इज, जिंदगी छोटी है, गेट आउट फ्रॉम हाउस, घरों से निकले तो सलाम दुआ तो कर लेते भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हेलो, सलाम दुआ भी नहीं करना? ओहो, क्या इतना बुरा हूँ मैं भाई? ये मनुज बनने दो, दफा भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहिद एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे भाई। तो पीछे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं यार, हमारे घर के सामने इतने पहाड़ थे, अभी सुबह में उठा तो भी नहीं है यार। ये देखो सामने, इधर सामने वाला पहाड़ भी गायब है, वो उधर सामने का पहाड़ भी गायब है, इस साइड पे कोई पहाड़ नहीं दिख रहा। पता नहीं यार अपने इलाके के पहाड़ किधर गायब हो गए हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ यार। ओहो, वो पीछे देखे आप, इधर इतने अच्छे बड़े बड़े पहाड़ थे यार। अपना घर जो है पहाड़ों के बिल्कुल बीच में ही था, लेकिन चारों तरफ कोई भी पहाड़ हमें दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं पहाड़ किधर गए यार। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? पैसे के लिए भाई, आज मौसम इंजॉय करने का दिन है और व्लॉग बनाने का दिन है, तो आपका भाई टपक गया है भाई छत पे और आपके लिए फुल इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाएगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना भाई कि आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। कल तकरीबन 40 डिग्री के आसपास जो है गर्मी थी, और अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है मौसम है, और मेरे ख्याल से सही तेज बारिश आने वाली है भाई। हमारा क्या बनेगा यार, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। हमने क्योंकि जा रहा है जॉब पर भी, तो हम इसी वजह से थोड़ा वो भी कर रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी में जो है सारा कुछ कर ले, ताकि बारिश आने से पहले भाई हम पहुंच जाए हॉस्पिटल, उधर ही फिर जो है इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे। माशाल्लाह से हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करे अच्छे तरीके से बारिश जो है आज हो जाए भाई, और फिर जो है इंशाल्लाह मौसम बड़े मजे का होगा। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है कि मैंने हॉस्पिटल भी जाना है, तो इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए मैं जल्दी से जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, कपड़े शपड़े चेंज करके, नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता कर लूंगा, उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। बाय द वे यार, कल तो खान साहब ने भाई अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है टिकटॉक के ऊपर। सिर्फ एक दिन में ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन फॉलोअर्स, और वो भी सिर्फ एक वीडियो के ऊपर, और ऑलमोस्ट 4 मिलियन लाइक्स उन्होंने जो है गेन किए हैं, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। भाई खान साहब की बात ही अलग है यार, खान साहब बने ही है रिकॉर्ड बनाने के लिए, बाकी तो भाई वैसे ही मजे उड़ा रहे हैं। वही हुआ यार जिसका मुझे डर था कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बाइक मैंने बिल्कुल रेडी कर ली है, मैं यहाँ से निकलता हूँ जल्दी से हॉस्पिटल के लिए। अभी बारिश थोड़ी स्लो है, इससे पहले कि मजीद तेज हो भाई आपका भाई गायब हो जाता है यहाँ से। पहुंच गया यार, लेकिन आने से पहले भाई दो टेस्ट रेडी है, एक ये पड़ा है रूलर में, दूसरा टेस्ट वो सामने पड़ा है पर्ची के ऊपर। चलो भाई सबसे पहले ये टेस्ट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद ही सलाम दुआ करेंगे दोस्तों के साथ। अभी फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। ये देखे पंखे भी अभी तक ऑफ है यार, दोनों पंखे ऑफ है। सबसे पहले पंखे ऑन कर देते हैं भाई। ये भाई साहब ये वाला फैन तो ऑन हो गया, दूसरा फैन ऑन कर लेते हैं। गेट जरा बंद कर देना, बाहर मरीज है भाई। ये
दूसरा भी ऑन कर लिया है, एग्जॉस्ट तो ऑलरेडी ऑन है, तो अभी ये जगह इंशाल्लाह ठंडी हो जाएगी। पंखे मैंने लगा लिए हैं, तो टेस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम जाते हैं और स्टाफ वालों के साथ जो है मुलाकात कर रहे थे। एक ये बंदा आ गया भाई, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। लोग सुबह सुबह जो है अच्छे अच्छे चेहरे देखते हैं, और ये हम ये मनुष्य चेहरे देखते हैं भाई। कैसे हो भाई, ठीक हो, खैर खैरियत, अमन अमान? आज तो मौसम बाहर अच्छा है भाई, इतना जल्दी क्यों आए आप? आप तो 10 बजे के बाद आते हैं यार। बस आज जल्दी आम खुल गई, आ गया आग जल्दी खुली है, जबरदस्ती बुलाया हो गया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आग तुम्हारी नहीं खुलती जल्दी, मजे करो। अबे यार ये तो वाकई में बारिश हो रही है, अभी दोस्त ने मुझे कहा बारिश हो रही है, मैं अभी तक जो था नीचे हॉस्पिटल में था, मैंने देखा ही नहीं कि बारिश स्टार्ट हो गई है। माशाल्लाह से यहाँ पर आप देखें तो सही तरीके से बारिश हुई है, सामने पहाड़ तो नजर आ गए, लेकिन हॉस्पिटल में यार सुबह मेरे घर पे जो पहाड़ थे वो तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे थे। मैंने आपको बताया भी था कि पहाड़ सारे गायब हो गए हैं। खैर गाइस ये देखे सामने माशाल्लाह से मौसम काफी बेहतर हो गया है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था ना टिकटॉक के ऊपर, वो बंदा जो कहता है जो इंग्लिश लैंग्वेज करता है फनी थोड़ा बहुत, वो कह रहा था भाई कि लाइफ लिटिल इज, जिंदगी छोटी है, गेट आउट फ्रॉम हाउस, घरों से निकले तो भाई आप भी वही काम करें, घरों से निकले और जो है इस लाइफ को एंजॉय करें, यही एंजॉय करने के दिन है, वरना एंजॉय करना आजकल नसीब नहीं होता भाई। ये सामने देखे माशाल्लाह से कितना प्यारा मौसम है, हाय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई बहुत ही प्यारा मौसम है। मेरा तो नीचे जाने का दिल ही नहीं कर रहा, बट क्या करे, चूंकि नमाज का टाइम है, नमाज भी पढ़नी है, उसके बाद खाना शाना भी खाना है, फिर दूसरे स्टाफ वालों ने भी खाना शाना खाना है, तो हम जल्दी से जाते हैं और खाना शाने का बंदोबस्त भी कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे भाई ये आगे का क्या सीन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से गाइस घर में पहुंच गया हूं। सुबह मौसम बड़ा ख़तरनाक था यार, मैंने सोचा कि भाई आज तो सही तूफान आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और मौसम बारिश थोड़ी बहुत हो गई, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। अभी जो है मैं घर पहुंच गया हूं, चाय शाय भी मैंने पी ली है, अभी यहां से मैंने हेयर ड्रेसर को कॉल की है भाई कि थोड़ी बाल शर्ट की जो है सेटिंग भी कर ली जाए ना, क्योंकि हफ्ता डेढ़ हो गया है हमने बाल शर्ट ठीक नहीं कराए, तो बाल शाल तो कम अज़ कम ठीक करने पड़ते हैं यार, क्योंकि हमने हॉस्पिटल जॉब पर भी जाना होता है, और दूसरा यार लुक भी जो है थोड़ा बहुत जो है अपना चेंज करना पड़ता है। बाय द वे गाइस ये दो परिंदे यहाँ पे बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे बैठे हुए हैं, काफी टाइम से इन्हें मैं देख रहा हूँ, या तो मैं इनको यहाँ से भगा दूंगा और या जो है ये मेरे साथ बातें शातें करेंगे। ये भी मेरे ख्याल से इमरान खान के वो टिकटॉक अकाउंट को सपोर्ट करने आए, यही बात है। हेलो, ओ भाई यार आवाज ही नहीं दे रहे भाई, कोई गिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं आपके भाई को, पता नहीं इनको क्या हो गया। ओ भाई ओ, हेलो हेलो, मेरे ख्याल से लग ऐसे रहा है कि इनको मेरा फेस देख के कुछ पसंद नहीं आया, ऐसी बात है। सर हिला रहे भाई, कैसी बात है, सलाम दुआ कर लेते भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, हेलो, सलाम दुआ भी नहीं करना? ओहो क्या इतना बड़ा हूँ मैं भाई, शायद मैंने कटिंग शटिंग नहीं की ना, तो ये दोनों मेरे से खफा है भाई कि आपको हम पहचान ही नहीं पा रहे, पता नहीं ये आए कहाँ से। रुको रुको मैं जावेद अदनान और फैसल को बुलाता हूँ भाई, के इधर दो परिंदे आए, क्या रिएक्शन होगा। अदनान, ओ अदनान, जावेद को भी बुलाओ, ऊपर आओ। वो अदनान ये देखो, वो एक तो गया भाई, यार इसका फेस देख के दोनों ही भाग गए, मुफ्ती साहब क्या कर दिया यार, दोनों को ही भगा दिया। ओहो इसकी किस्मत ही खराब है, वो दूसरा अभी आ रहा है, मैंने इसको कब कब बुलाया था भाई कि आओ ऊपर, परिंदे बैठे हैं तो टाइम पे यहाँ पे नहीं पहुंचा ये, अभी जो है परिंदे भी यहाँ से गायब हो गए हैं। ये मनुष्य बंदे हैं दोनों, दफा हो भाई दोनों। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। हाँ भाई तो कैसा लग रहा हूँ, आपके भाई ने कटिंग कर ली है यार 2 सालों बाद। ऐ भाई मजाक कर रहा हूँ यार, अभी अभी मैं कटिंग करके आया हूँ। वैसे एक बात अगर आपने नोटिस की हो, जब बंदा फ्रेश हेयर ड्रेसर से होकर आता है और कटिंग कर लेता है ना, तो ताजी ताजी हवाएं आपको छू करके निकलती है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ऐसा ही है ना, ऐसा ही होगा यार, एक्सपीरियंस करके देख ले, ऐसा ही है। इसी के साथ करते हैं अपने आज के इस व्लॉग का दी एंड, तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करे यार, ताकि मुझे पता तो चले भाई आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं भाई, तो अपने भाई को सपोर्ट किया करे यार। आपका भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाता है आपके लिए, इतने मुश्किल से टाइम निकालते हैं और आप फिर भी सपोर्ट नहीं करते।
तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।